रिकॉर्ड लगा दो नहीं बनेगी आज। हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हम लोग अपने गांव वाले घर से ही शुरू कर रहे हैं। ये वही पुराना घर है जिसे रेनोवेट करके थोड़ा सा नया लुक दिया गया है। रेनोवेशन भी इधर कम्प्लीटली नहीं की है, थोड़ी बहुत की है जहाँ पे ज़रूरत थी। तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से रोडू। रोडू के एक्चुअली हमें शिमला के लिए निकलना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार अपना घर भी थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि एक्चुअली हिमाचल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग शैली के घर बने हुए हैं। तो रोडू या छुआरा क्षेत्र जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई है, वहाँ पर किस तरह के घर होते हैं एग्जैक्टली, सिर्फ इस तरह के नहीं होते, ये तो थोड़ा नया है, फिर भी इससे भी पुराने घर होते हैं जो मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज़ में दिखाए भी है। लेकिन अपना ये वाला घर मैं दिखाती हूँ। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ, इस जगह को पांड बोलते हैं। हाँ, पांड की तोंग, पांड मतलब ये वाला जो अंदर, ये वाला जो लेवल है ना, ये पांड है। और इधर जहाँ मैं बाहर बैठी हूँ, इसको तोंग तोंग यानी बरामदा जो होता है ना, तो ये तोंग है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाती हूँ अंदर का भी, कि कैसे कैसे रूम्स रहते हैं। वैसे मैंने पहले एक बार दिखाया है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस हमारे साथ नई जुड़ी है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी एक बार थोड़ा सा आइडिया मिल सके। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि वीडियो में आपने देखा, तो वो हमारे जो कुल देवता जी हैं उनका मंदिर है। दो मंदिर यहाँ पर और है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी आपको एक बार दिखा दूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सतनार देवता जी के मंदिर। ये हमारे कुल के देवता जी हैं। और अगर मैं इनकी बात बताऊं आपको, तो पिछली बार आपने देखा होगा कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे शादी के बाद पहली बार, तो हम इधर इस मंदिर के अंदर गए थे। और उस टाइम पे हमें इसलिए जाना पड़ता है कि जो भी नई नवेली दुल्हन मतलब यहाँ पर आती है शादी करके बांशा फैमिली की, वो अपना एक $2 यहाँ पे लगाया जाता है ऊपर मंदिर में, और वो रस्म बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने पिछली बार की थी, तो अभी हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जाते जाते एक बार माथा टेक के जाते हैं। तो बस हम लोग माथा टेक के फिर उसके बाद वापस निकलेंगे रोडू के लिए। तो आप ना एंट्रेंस पे ये देख पा रहे होगे गेट सा, तो ये गेट पूरा पत्थर का बना हुआ है, खोली बोलते हैं इसको। ये पूरी पत्थर की बनी हुई है, अब पता नहीं इसे पता चल रहा है या नहीं, इधर उधर लकड़ी का है, बट ये जो बिल्कुल जो गेट वाला हिस्सा है वो पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ मंदिर से अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ हमारा ब्राउन कलर का जो है वो हमारा घर है, बैक साइड से कुछ इस तरह का दिखता है। अब घर जाएंगे और घर पे आपको थोड़े बहुत एक दो कमरे दिखाएंगे, रसोई दिखाएंगे। एक्चुअली मैं कुठार आपको फिर से नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि वो लॉक कर दिया गया है, हम लोग जैसे निकलने वाले थे, बट मैं ये घर आपको दिखा सकती। चाचू का घर हो ना कि ताऊ लगते रिश्ते में, तो ये वाला जो घर है ये भी चाचू का घर, मतलब इधर उधर ना हमारे जो रिश्तेदारी है सारे फैमिली है, मतलब ये वाला भी। हाँ आ जाओ। हाँ ये वाला, तो ये नीचे ओबरे है, हालांकि इसमें अभी हमने सिर्फ सामान स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे कुछ कुछ भी हमारा यूज़ का जो सामान है जो कभी कभी इस्तेमाल होता है वो अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। आ जाओ, हम आपको ऊपर ले चलते हैं। तो अंदर चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको पांड दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो इसका दरवाज़ा भी छोटा है, और दूसरा इसमें किस तरह से काम हुआ हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो दो तीन लेयर्स है ये पत्थर के हैं, उसके बाद लकड़ का काम हुआ है, दो लेयर लकड़ के हैं, फिर से पत्थर का काम हुआ है, फिर से लकड़ है। तो इसी तरह से नीचे से लेकर शुरू है, ये नीचे भी इसी तरह से और ऊपर तक इसी तरह से बना होगा। तो अभी मैं आपको अंदर वाला रूम दिखाती हूँ। छोटा मतलब इसके दरवाजे थोड़े से छोटे होते हैं, नीचे को उसके जाना है हमें। आ जाओ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस तरह के कमरे, हालांकि इसमें भी रेनोवेशन की गई है। ये जो ये शीट है ये बाहर से बाद में लगाई गई है, क्योंकि ये वैसे सब कुछ अंदर से मिट्टी का ही है, अंदर इसमें मिट्टी है, इसके बाहर ये लगाया गया है थोड़ा सा इसको न्यू लुक देने के लिए। लेकिन हमने बिल्कुल रिन्यू नहीं किया, जैसे आप देख सकते हैं ये वाले लक्कड़ जो है ये सब कुछ पुराना है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि पूरा जो ट्रेडिशनल जो टच है वो ख़त्म हो जाए हमारे घर का, तो इसलिए हमने ट्रेडिशनल रखते हुए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत पुराना टीवी है,
इस कमरे में एक्चुअली मम्मी पापा सोते हैं। जब भी हम लोग घर आते हैं तो मम्मी पापा यहाँ सोते हैं अपना बिस्तर लगा के, और गाँव में हम लोग ना फुल गाँव वाला फील लेना प्रेफर करते हैं। और मुझे, मैं सच में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शो ऑफ करने के लिए बता रही हूँ, बट मुझे जेन्युइनली गाँव की लाइफ बहुत पसंद है। हम लोगों का तो इवन ये प्लान है कि हम लोग अगर एक और गाँव में, जहाँ पर हमने घर बनाना है, वहाँ पर भी हम ट्रेडिशनल टच देते हुए घर बनाएंगे, जो मतलब उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ तो हो लेकिन उसमें ट्रेडिशनल एक टच भी हो, ताकि जब लोग वहाँ आए तो उनको वो जो हमारे गाँव की मिट्टी, गाँव की वो एक खुशबू होती है ना, उसका बिल्कुल वो मिल सके, क्योंकि हम मिट्टी वाला वहाँ पे कुछ सोच रहे हैं काम करने का। तो ये हमारा रूम है पांड में, इसी तरह का आगे भी एक रूम है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर वाला आपको किचन दिखाऊंगी और रूम दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अभी निकल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अब लॉक लगा दी, बस आपको दिखाना चाहती थी। और ये हमारी पुरानी चक्की के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जिसमें यहाँ पे ऐसे लगता है, फिर ये इस तरह से घूमती थी, बट अभी कुछ नहीं घूम पाएगी क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है। तो ये हमारी चक्की के कुछ वो है अवशेष, जो अभी भी हमने रखे हुए हैं, यूज़ तो नहीं करते हैं क्योंकि हम तो आते ही बहुत कम है यहाँ पे। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर आपको किचन दिखाती हूँ और कुठार का से दरवाज़ा दिखा पाऊंगी। कुठार किसी दिन मैं आपको अलग से दिखाऊंगी अपना, और उसमें कुछ ताले हैं पुराने, वो भी मैं दिखाना चाहती थी, बट क्योंकि आज हम लेट हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी ट्रेडिशनल स्टाइल के ताला और चाबी। तो एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूंगी। आ जाओ कम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी के खोले हैं, मतलब यहाँ एक तरह से उनका घर है जहाँ पे वो शहद बना रही है अंदर। तो एक इधर है, एक उधर भी। यहाँ पे आपको मैक्सिमम घरों में रोडू वाली तरफ, छुआरा वाली तरफ ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे गांव वाले जो घर है ना, इस तरह के ट्रेडिशनल घर है, उनमें इस तरह की खोलियाँ हैं और उनमें मधुमक्खियाँ रहती है, अंदर अपने शहद बनाती हैं, मतलब शहद हमारे अपना होता है, समझ रहे हो। चलिए, और यहाँ की इन ये जो मक्खियाँ हैं ना, इनकी मतलब मधुमक्खियाँ, इनकी एक ख़ास बात ये है कि जैसे ये हाइट वाला एरिया है काफ़ी, तो ये और भी ज़्यादा हाइट में जाके जो अपना शहद, इनका क्वालिटी क्वालिटी जो होती है ना शहद की, वो और भी अच्छी होती है, क्योंकि हाइट से ये लोग क्या बोलते हैं उसको, पराग हैं पराग पराग, मतलब लेके आती, कैरी करके लेके आती है अपने साथ चीज़ें। चलो चलो फिर ऊपर की तरफ चलते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं कुठार दिखाती हूँ ना, आ जाओ। कुठार यानी कि फूड स्टोर करने के लिए बेसिकली, तो जहाँ पे भी राशन रखा जाता है ना, जितना भी राशन होता है वो इसके अंदर रखा जाता है। और ये देखो इसका तगड़ा ही लॉक, मैंने उस दिन भी दिखाया था, अभी परसों के व्लॉग में दिखाया था। और यहाँ से खुलता है, फिर वहाँ से भी खुलता है, इसकी एक स्पेशल चाबी होती है, ऐसी थी बड़ी जैसी पापा यूज़ करते थे। ये वाला रूम अभी स्टोर रूम है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा किचन अभी चेंज करेंगे जब अपना, तो यहाँ पर एक छोटा सा किचन बनाया जाएगा, जहाँ पे मैं बात कर रही थी कि हम लोग थोड़ा सिंक वगैरह भी लगाएंगे। तो ये है वो एरिया, अभी मैं ले चलती हूँ आपको हमारे किचन में जो अभी प्रेजेंटली है। तो चलो फिर किचन में लेके चलते हैं आपको, आ जाओ रसोई घर हमारा। तो यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि गांव में कम ही लाइट्स होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डोर जो है ना, इसके हिंजेस देख सकते हैं आप, किस तरह के हिंजेस है, लकड़ी के, ये देखो। तो ये हमारे रसोई घर है, और यहाँ पे जैसे मैं अपने करसो की बात करूँ, तो वहाँ पे तो चूल्हा होता है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ तो इनको गेठे बोलते हैं सच बताऊँ तो, बट यहाँ पे कुंड बोलते हैं, हाँ रोडू में बोलते हैं कुंड। और ये जो ये है शेल्फ, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं पीढ़ी। पीढ़ी के अंदर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर स्टोरेज है, मतलब जैसे शॉप्स नहीं होती जो जिधर से राशन लेके आते हैं, तो उसके अंदर ऐसे नहीं बने होते डब्बे, वैसे इसके अंदर बंकर्स बने हुए। लेकिन क्योंकि इसके अंदर हम लोग सामान स्टोर नहीं करते, तो हमने इसके ऊपर गैस रखी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉर है, जो कि अब खुलते नहीं है। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रखे जाते हैं बर्तन, जैसे कि थालियाँ वगैरह हमने यहाँ रखी है अंदर। उधर को आप देखेंगे तो वहाँ पे रखे जाते हैं जो जैसे चिमटा हो गया, तवा हो गया, चूल्हे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ रखी जाती है। और यहाँ पे बैठक लगाई गई है, जहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके बैठते हैं और गप्पे मारते हैं। अभी हम लोगों ने इसको ट्रेडिशनल ही रखा है कम्प्लीटली, मतलब लगाने का तो हम यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं स्टोव कोई तो, बट अभी हमारा प्लान है कि हम इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि एक ट्रेडिशनल जो टच है वो बना रहना चाहिए। जैसे ये तो बोल रहे थे पहले कि ये भी चेंज कर दें, मैं कहा नहीं, ये रसोई तो ऐसी ठीक है।
तो रसोई का जो मज़ा है वो ऐसा ही रहता है। अब हम अगली बारी आएंगे तो अगली बारी मैं आपको वो लॉक दिखाऊंगी, तो कुठार अलग से दिखाऊंगी। फिलहाल चलते हैं, अपना वाला रूम भी दिखाते हैं, एक पल्ली तरफ कमरा है। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ का एक रूम दिखाती हूँ, इस वाले फ्लोर का। फिलहाल सबसे पहले यहाँ देख लो, ये हमारे मतलब दादी हैं, हमारे जो दादू के वाइफ, इनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी पहले। उसके अलावा अभी जो आई है हमारे, मतलब जो अभी दादी है, वो इन्हीं के रियल सिस्टर है, इनसे छोटे सिस्टर। चलो आ जाओ। तो ये है एक रूम, ये हमारा रूम है जिसमें हम लोग यूजुअली रहते हैं। एक मिनट बाहर, क्योंकि ये थोड़ा शोर है इसलिए मैं इस दरवाजे को बंद कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। पहले तो ये वाली फोटो, एक मिनट, मैंने वैसे पहले दिखाई है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने हैंडसम लग रहे हैं दादू, मतलब ये हमारे दादू है। वैसे यहाँ पे नानू बोलते हैं, आई नान बोलते हैं ना, तो ये हमारे आई नान है, मतलब ये वो वाले आई है जिनकी डेथ हो गई है। और ये तो अभी नानू तो हैं हमारे, और कितने हैंडसम लग रहे हैं ये, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे दिनेश चाचू, रिपू भैया के पापा, बिल्कुल है ना। मतलब रिपू भैया आपको पता होगा, गुगलू को जानते हैं ना आप लोग, तो गुगलू के जो पापा है वो रिपू भैया है, और रिपू भैया बिल्कुल रिपू भैया ऐसे दिखते हैं। और रिपू भैया के जो पापा थे उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी एग्जैक्टली ऐसे दिखते थे। उनकी भी फोटो दिखाती हूँ मैं। ये वाला अवतार पापा ए नानू का ये है और ये वाला अवतार ये है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, ये नानू और ये रिपू भैया के पापा दिनेश चाचू, उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी। और पापा पापा की भी पुरानी फोटो है ये। चलो मैं आपको एक फैमिली फोटोग्राफ दिखाती हूँ, जो शायद मैंने पहले व्लॉग में दिखाई है, बट मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो मैं दिखा के रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली फोटोग्राफ है, इसमें सिर्फ एक मेंबर अभी नहीं है, वो मैं, बाकी ऑलमोस्ट सभी की फोटो है इसमें। नहीं यहाँ सिर्फ ये कजिन्स हमारी कजिन्स दोनों, की है सब। ये हमारी दोनों बुआएं, हाँ मैं और वो नहीं है, शिव भैया इसके ना मेंबर, कोई बात नहीं, तब क्या करना। ना पवन जीजू है। हाँ मतलब जीजू के, मतलब जीजू और मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको नहीं, इन्होंने किया अकाउंट अभी ओके इसमें। तो ये दोनों बुआएं हैं, ये छोटे बुआ है, ये बड़े बुआ है। यहाँ पे तो आपको पता ही है, शिप्रा है, सनी भैया है, पूज दीदी है, करण है, ये तो ये हैं, प्रीति दीदी है, रिपू भैया कैसे लग रहे इसमें, गुगलू है यहाँ, गुगलू, करुणा, उफ उफ भगवान, ये दिनेश चाचू हैं, ये कौन है इस फोटो में, नानू पहचान में नहीं आ रहे नानू तुम्हें तो। अभी यहाँ पे प्रीति दीदी की बचपन की फोटो है, और यहाँ पे ये तीनों है, रिपू भैया, प्रीति दीदी और मेरे पतिदेव, और आई आई है ना, ये है ना, ये लोग, ये वहाँ की होगी पक्का फोटो, कुछ नहीं कुजवानी की, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आई नानू अभी रहते हैं। ये उस वाले घर की फोटो है, उसके घर के बाहर की फोटोज है। तो पुरानी यादें हैं यहाँ पे जो संजो के रखी हुई है, इसलिए हम इस घर को थोड़ा पुराना ही रहने देना चाहते हैं। जैसे आप मुझे देख पुराने सकते हैं टाइम में रखा यहाँ पे जाए। पूरा ये अंदर, और ये कमरे ना गर्म भी बहुत है, क्योंकि रोहल में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत। अभी कल बारिश हुई ना यहाँ पे, तो सब लोग स्वेटर पहन के घूम रहे थे, तो यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, सर्दियों में तो हद से ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कमरे बढ़िया होते हैं, कोजी से। देखो इतने रूम्स यहाँ पे, पिछली तरफ भी बनाया हुआ है एक कमरा, मतलब वो वैसे इसका ही हिस्सा था, इसी का हिस्सा था, लेकिन उसको भी एक रूम में वो किया है, वहाँ पे सारे बिस्तर बिस्तर रखे होते हैं, बट वहाँ पे सो भी सकते हैं अगर कोई सोना चाहे तो। और पहले ना ये नहीं थी हुई थी, बाहरी खिड़कियाँ नहीं लगी थी, ग्लेजिंग हाँ ग्लेजिंग नहीं हुई हुई थी, तो अब यहाँ पे ग्लेजिंग करवाई है कुछ टाइम पहले ही, मतलब मेरी शादी से तो पहले की करवाई हुई है, तो उससे वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है ना, तो बाहर से हवा डायरेक्ट आती थी, फिर ठंड लगती थी ज़्यादा, और थोड़ा सा इसको जब रिफ्रेश कर ही रहे थे तो सोचा कि थोड़ा इसका लुक चेंज करते हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर में अभी पूरे में ग्लेजिंग कर दी है, इसलिए थोड़ा सा दिखता है। और मुझे लगता है अब हम काफ़ी लेट हो गए, अब हमें निकलना चाहिए वापस रोडू के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं, हम सब भी रोडू के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमें शिमला भी जाना है। नमस्कार, मैं आज पहली बार अपने ना ना ब्लॉग में नमस्कार बात कर नहीं, रहा हूँ, नमस्कार कुछ नहीं। तो फिर बाय बोल दो। नहीं अब यहाँ जो वहाँ ताले जा रहे हैं, रोड जा रहे हैं, रोड तुम लोग ये पहला फिर हाँ, ऐसे आते हैं। मतलब कितने दिन के लिए आते हैं? 2-3 दिन के लिए आते हैं फिर निकल जाते हैं। जब देखते क्या फंक्शन होता है, हाँ देखते क्या कारो कार ये तक या कोई वो होता है, क्या नाम है उसका, साझे त्यौहार या मरना जीना, तब आते हैं। ये वाला जो था बाहर, जो आपने पर लगा दिया, इनकी चाबी होती है इसमें। चाबी नहीं होती ना बापू। हाँ कितने साल के थे आप जब इनकी डेथ हुई? उस वक्त मैं पांचवी से चौथी में, चौथी में चौथी में पढ़ता था, चौथी में छः चार दस आधा दो चार साल के, 10 साल
गलत इन्फॉर्मेशन। एक साल की थी प्रीति, प्रीति थी एक साल की। प्रीति कहाँ है? रंजीता हुआ, रंजीता थी एक साल की। हाँ, एक डेढ़ साल की। मैं था, मैं पढ़ता था चौथी में। और ये शिमला बुआ कितने बड़े? शिमला कहाँ पढ़ती? शिमला बुआ आपसे तीन चार साल छोटे। तीन साल, तीन साल, तीन साल थोड़ी। हाँ, तीन साल है। चलो फिर चलो केंद्र में। बड़े हम लोग यहाँ से सब कुछ सामान उठाकर देख सकते हैं आप लोग ने यहाँ पे जो पशुओं को चराने के लिए लेके जा रहे हैं, ये गांव के मतलब होता है ना, गांव के सबके इकट्ठे और फिर हर रोज एक एक घर से जाते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पे भी होता है। हमारे वहाँ करसोग में भी ऐसा होता है। और इन्होंने बताया क्या बोलते हैं इसको, ऐसे डंगरों का पाला, पाला हमारा बोलते हैं पाला। माने आज मेरी बारी, ऐसे पिंकू चाचू है। अच्छा, बारी बारी में जाते हैं सारे। आज पिंकू की बारी को। आ जाओ आ जाओ। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं रोहल से आते हुए। और क्यों रुके? आम थे हमारे पास कुछ। हमने बोला, मैंने बोला मैं मम्मी कहीं बाहर बैठ के खाएंगे। आहा, हाँ तो मारू छलांग। वाह, आऊ भी मारू छलांग। थोड़ी टांगे छोटी है ना, दिक्कत हो जाती है। वाओ, चट्टान पार कैसी है? हाँ, यही कहाँ जैसे बैठे, पत्थर पे बैठते हैं। पत्थर पे बैठो, पत्थर गीला होता आजकल। गीला होगा, वही मैं जा रही हूँ। ये देखो पर है वो घराट, यहाँ पर है वो घराट। वो तो झड़ गई इसकी सारी पेटल्स। तो अभी हम लोग ना आम को धो के लेके आते हैं। तो जहाँ पे ये अभी आम धो रही है ना, तो ये जब नदी से क्या बोलते है पानी लाया जाता है इस तरह से, जो आपको मैंने अभी घराट दिखाया ना, उसके लिए लाया जाता है पानी। हेलो पापा जी, ये आपके लिए सबसे बड़ा। यहाँ बैठ। तो यहाँ पे इतना सुंदर व्यू है पीछे, और ना धूप भी कम हो गई अभी, तो हम लोग आम खाने के मजे ले रहे हैं इस टाइम। माइक मम्मी के पास लगा दो, मम्मी को देते हैं भाई। कब मम्मी बोले आम नहीं खाना था ना, खाना पड़ेगा। रोटी भी ना खा दो, आम भी ना खा दो, तब कहाँ जा धूप को जाता हूँ कितने। मम्मी रिकॉर्ड हो गया बे। बच्चे ना खाते हो, रोटी ना खाते हो। किला जगह का नाम है घटुवाड़ है ना, जीवान, जीवान घटुवाड़ है पीछे, ये जीवान, जीवान। आपको पता ही कुछ नहीं है भाई, गलत इन्फॉर्मेशन। गांव में ऐसे होते हैं ना, मतलब अलग अलग जगह के नाम होते हैं। ये वीडियो नहीं बन पाए क्या? मम्मी का फेवरेट टॉपिक है ये। जब भी हम मम्मी को कुछ ऐसा बोलेंगे ना कि मम्मी ये खा लो ना, मेरे नहीं खा, मेरा पेट फूल, मेरे पानी पियो दो। धो के आती हूँ, आ जाओ। छोटी है तू, अभी छोटी बच्ची है क्या? छोटी बच्ची हो क्या? या मैं छोटी बच्ची सही। एक तो हमने आज कपड़े भी कैसे पहने ना, लाल पीले। ये दूर से खुकस मारते हैं ऐसे हरियाली में। शार्दुल वाली और व्यासपुर वाली में दो कांटे दिखते हैं। ये वाली ही आ रही है किन्नौर से, ये वाली किन्नौर से। हाँ, और वो वाली आ रही है और रामपुर साइड की सरकारी वाली साइड से कौन दिखेगी। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। नीचे देख के आना ना, वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे नीचे देख, नीचे देख पहले। नमस्ते नमस्ते गॉडजी, नमस्ते भाभी, आ जाओ आप भी। तो हम लोग पहुंच गए हैं, एक बज चुका है ऑलमोस्ट, एक बजने को 15 मिनट है अभी।
और अभी हम लोग पहुंचे रुडू और हमारे को फटाफट से अभी पैकिंग करने की जरूरत है क्योंकि शिमला के लिए कम से कम 3 बजे तो निकलना ही है। पैकिंग करनी है, नहाना है, सब कुछ करने को, खाना भी खाना है, उसके बाद हम निकलेंगे। तो अभी पैकिंग कर लेते हैं, अब आपको तभी मिलेंगे जब हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी नहा के हो गए फारिक, अभी मेरे बाल से गिल्ले ही है, अब ड्रायर डाल दिया मैंने बैग में, अब मेरे को निकालने का लग रहा आलस। तो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, जा तो रहे हैं हम यहाँ से बट शिमला नहीं जा रहे, शिमला कल जाएंगे हम, आज जाएंगे हम रामपुर। तो अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं लंच, लंच में बनाया है पुलाव। गए हैं रोडू से रामपुर के लिए और पीछे पापा भी हमारे साथ, पापा पर सोए हुए हैं अभी, मैं इसलिए नहीं दिखा रही, पापा को बहुत नींद आती गाड़ी में, मुझे भी ऐसी नींद आती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहुँच के ही मिलेंगे अब आपको डायरेक्टली। रीजनरेशन का आया मेरे पास, तो ये मैं इसको कर रहा हूँ, रिक्वेस्टेड हो गया है, ये देखो अबॉर्टेड। तो हम लोग माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि बीच में ना हम अपडेट्स नहीं दे पाए। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी में पहले रीजनरेशन का कुछ आ गया, उसके बाद जिनसे हमें मिलना था यहाँ आके वो लोग हमारा बहुत देर से वेट कर रहे थे, इसलिए हम भागे दौड़े यहाँ पहुँचे हैं। एक्चुअली वी आर हियर फॉर अ शूट, तो हमारे गाने का शूट हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए आना है। तो अभी गाना मतलब गाने का शूट चलेगा कल से। अभी हम लोग यहाँ पे रामपुर में हैं, रामपुर में रुके हैं हम, एप्पल क्रेस्ट, हाँ एप्पल क्रेस्ट होटल में रुके हुए हैं। बस अभी थोड़ा फ्रेशन अप हुए हैं, अब रेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना आप इनका डांस देखो पहले। हुसैन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसैन तेरा तौबा तौबा तौबा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी को अगर हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको बोलना है कुछ भाई? कुछ ज्यादा नहीं हो गया।